एक पे बोल के नहीं, हर किसी के ऊपर जुल्म कर रहा, हर किसी को परेशान कर रहा। हम हमारे को हुकूमत से यही है देख के चार चार जने मिलके मार रहे और गाड़ी से चटान ले उसको अरेस्ट करना, नॉन बेल अरेस्ट होना है उसको, उसके घर वालों को भी अरेस्ट करना। वहाँ पे स्पीड ब्रेकर बना दिया, उनके घर के पास पानी नहीं जाना कहते, रोड पे जा रहा पानी किसी के। इस खबरनामे को पेश करदा अलमनान ज्वेल्स, शालीबंडा, हैदराबाद। मैं हमारी बच्ची के पास ईद मिल ले को आई थी, पानी जा रहा था, उन लोगों को कई को माँ कई को लड़ ले रहे बोल के पूछने को आई तो हमारे ऊपर हमला करे नो, पूरा हाथ जख्मी कर दिए, चश्मा फूट के आए ना आँखें में लग गया, फिर बच्चे को वो मारे, मेरे बच्चे को मारे, फिर पूरे 5-6 जने उन हम लोग का 4 जने हो गए, उन लोग का 20-25 जने हो गए भाई। हर बोलते सो ऐसा लीड़ा लीड़ा के मारा आदमी में को, क्या नाम है कि नहीं उसका नाम नहीं मालूम, पड़ोसी है, हम फारूक नगर से आए हैं बच्ची का नहीं मिलने को, और ऐसा मारे उन लोग का 4 बजे मारे और फिर बाद में 2 बजे भी हमला करे हमारे से। 4 बजे आप लोगों के ऊपर जब हमला करे आप लोग पुलिस कंप्लेंट नहीं करे? करे मगर आए नहीं पुलिस वाले, एक्शन नहीं लिए। हाँ तो ये हमला कहाँ पर हुआ, कौन से एरिया में हुआ? सरुण नगर, भगत सिंह नगर में, वुमेन पुलिस स्टेशन के पीछे बैक साइड। तो फिर 2 बजे फिर आके हमला करे? हाँ, फिर फतरे मारे, लकड़ियाँ मारे, गंदे गंदे गालियाँ दिए, हम लोग का वीडियो लिए, मगर हम बाहर नहीं निकले, उन लोग का बहुत जने हो गए, हम थोड़े जने हैं 4-5 जने बोल के हम बाहर नहीं निकले। तो अब 2 बजे फिर आप लोगों के ऊपर जो हमला हुआ, के अंदर घुस के मारे आप लोग को? नहीं, बाहर से मारे, फतरे लकड़ियाँ फेंक के मारे, हम दरवाजे को लाख लगा दिए, फिर देर तो लेकर लच्छा मारे, भौका चोरी कर लिए, फोन 1500 का, 15,000 का चोरी कर लिए, ऐसे खींच के ले लिए, हाथों में से ले लिए लड़के लोग का, मारे मार के ले लिए पूरा खींच के, डेढ़ तोले का लच्छा है, मंगलसूत्र। आप लोग क्या चीजों से हम लग रहे लोग? इन लोग का फतरे, गुंडे गिरा गिरा के, लकड़ियाँ कैसे बोले उसे, फोनों से मार रहे नहीं, लकड़ियाँ से मार रहे नहीं, वो आदमी तो औरत के चोटियाँ पकड़ के मारा तो मैं नीचे गिर गई, बेहोश हो गई, मैं फिर दवाखाने को लेके गए, बहुत परेशान कर दिया, उन लोग का 20-25 जने हो गए, हम लोग का 4-5 जने थे हम लोग नहीं टाके देते बोले तो मैं नक्को बोली, मेरे को चक्कर आ रही बोली। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमें कुछ लड़ाई हुई थी जिसमें रजाक बोलने वाले भाई ने जो है ना हमारे बस्ती में दम करके रख दे रहे हैं, और लड़ाई हुई तो मैं रुकाने गया था, मेरे को भी जो है ना कोई गली का है बोल के मारे, मैं बस्ती का मुर्साब हूँ और मस्जिद खाने का इमाम हूँ, मेरे को भी नहीं देख के बुला के भड़ बोल के भैरी मार दिए पुलिस वाले आए तो पुलिस वाले भी कुछ भी नहीं कर रही, पुलिस वाले लाठी चार्ज भी कर दिए हम लोगों के ऊपर, उन लोगों को कुछ भी नहीं कर रहे उन लोग। कृष्णा नाम है उनका, हम लोग जाते कि हम लोगों के ऊपर पूरा लाठी चार्ज करके ठंडा कर दिया हम लोगों को, अपोजिशन में कुछ भी नहीं कर रहे उन लोग, वहाँ जा रहे भी नहीं, घर पे जाके चाय पानी पी रहे उनके घर पे पुलिस वाले जाके, और हम लोग यहाँ पे जब से रात तमाम पूरी यहाँ पे बैठे हुए इंसाफ के लिए, अभी तक लगा कुछ भी इंसाफ नहीं हो रहा, और पुलिस वाले जितने भी जने हम दबाव डाल रहे, हम जितने भी बार हम पुलिस वालों को बोल रहे, पुलिस वाले एक ही बोल रहे थे हम सुबह करेंगे बोल के टाल दे रहे, दोपहर में 3 बजे हम केस बुक करे, सुनो एमएलसी करा के उस्मानिया से लेके आके भी कंप्लेंट दिए, बाद में भी उसके बाद भी एक्शन नहीं हुआ, हम कंप्लेंट दे दिए बोल के हम सब घरों को चले गए थे, घरों को जाने के बाद फिर हमारे घर पे अटैक हुआ, 15-40-50 जने मिल गए, लटों से, ग्रेनेडों से, पत्थरों से, तलवारों से ले लेके घर पे अटैक करे और घर के अंदर जाने की कोशिश करे, गेट के ऊपर चढ़े तक, मगर गेट के पास जगह नहीं है जाने के लिए, घर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करे, लेडीज भी थी घर में, लेडीज देख रहे ना, पुलिस का खौफ नहीं है, मार रहे वो यहाँ के भी नहीं होते, उन लोग बाहर से आए सो है, रजाक बोलने वाला उसके उसका जो बाप है उन्हें जो है सो औरतों के ऊपर हाथ उठाया और बाला पकड़ के नीचे गिरा दिया और बेतुका जैसा बोला वैसा मार दिया, और एक गले में की चैन सोने की लॉकेट थी एक लेडीज के पास वो भी खींच लिया और फोन भी खींच लिया और एक अंगूठी भी चले गई, ये लड़ाई में लेके चले गए लोग, हमारी बच्ची भी गवाह है उसकी,
और हम वो बात को पूछे तो हम नहीं लिया बोल के भी इनकार कर दे रहे, और हमारे को तो पुलिस वालों से कुछ भी अभी तक लगा रिस्पांस नहीं मिला। पूरी आधी रात से हम हुशार बैठे हुए, अभी तक लगा सुबह हो गई, फजर की अजान हो गई, 4 बज गए सुबह, दोपहर में 2 बजे हुआ, तो 2 बजे हम रिपोर्ट 3 बजे करे, तो अभी तक लगा सुबह के 5 बज गए, अभी तक लगा एक्शन नहीं हुआ। खाली पुलिस वाले राउंडिंग कर रहे, ना ही उसको अरेस्ट कर रहे और ना ही उसको कुछ लेके जा रहे। हमारे को हमारे बस्ती में पूरों को परेशान करके रखे हुआ है। टीआरएस पार्टी का लीडर है उन्हें, माइनॉरिटी का, और वो सपोर्ट से उन्हें हम सबके पूरे जनों पे, हिंदू मुसलमान पे, सब पे जुल्म कर रहा है उन्हें।